भिक्षु संघ के वर्षावास के निमित्त वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 9 अगस्त 2020 चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म के रास्ते चलकर हरेक व्यक्ति बड़े आनंद से सुख शांति से अपना मनुष्य जीवन जीते रहे, यही मंगल भावना के साथ, यही महाकरुणा के साथ तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए ये धम्म देशना दी है जो पाली त्रिपिटक में संग्रहित है। उस मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर ये धम्म देशना हम देते हैं। आज अंगुत्तर निकाय पाली इस ग्रंथ में तथागत बुद्ध ने बड़ी मंगलमय, बड़ी कल्याणकारी बातें बताई है। उसके किसी सूत्र पर, एक सूत्र पर, विशेष सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल से ही पढ़ूंगा। बहुत मंगलकारी सूत्र तथागत भगवान बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में बताया है जो परित्राण पाठ में भी आता है। यह अहिराज सूत्र, अहिराज सूत्रं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे तेन कोपन समयेन सावत्थियं अन्यतरो भिक्षु अहिना दट्ठो काल कालंकतो होती अथको संभुला भिक्षु येन भगवा तेन उपसंकमिंशु उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषिदिंशु। और एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ रह रहे थे, विहार कर रहे थे। और तब एक ऐसी घटना हो गई कि कोई एक भिक्षु सर्प के डस जाने से, सर्प दंश से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई और भिक्षु संघ ने, भिक्षुओं ने उन्हें देखा और देखकर उनके बॉडी को उठाया और तथागत बुद्ध के पास जाकर बुद्ध को वंदना करके उन्होंने बुद्ध को बता दिया कि भगवान आज हमारे एक भिक्षु की मृत्यु हो गई है। कोई भिक्षु सर्प दंश के कारण, सांप के डसने से वो मर गया है। तो ये बात जब तथागत बुद्ध को बताई गई तो उस समय महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ये सारा सुनकर एक बहुत अच्छा सूत्र, बहुत अच्छी मंगल मैत्री की भावना कैसी करनी चाहिए ये बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं, नहीं नून सो भिक्खवे भिक्खु चत्तारी अहिराज कुलानी मेते न चित्ते न फरी सचे ही सो भिक्खवे भिक्खु चत्तारी अहिराज कुलानी मेते न चित्ते न फरी नहीं सो भिक्खु
नहीं सो भी कभी भिक्खु अहिना दठ्ठु कालं करैय। बुद्ध ने बताया, हे भिक्षुओ, उस भिक्षु ने जो चार प्रकार के अहिराज कुल होते हैं, चार प्रकार के सर्प कुल होते हैं, उनके प्रति उन्होंने मंगल मैत्री न की होगी, मंगल मैत्री नहीं किया, और मंगल मैत्री उनके प्रति नहीं करने के कारण आज एक सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बुद्ध कहते, भिक्षु हो, यदि उसने ये चार सर्प कुलों के साथ मैत्री की होती तो ऐसा नहीं होता है, ये नहीं हुआ होता है। उन्होंने मैत्री नहीं करने के कारण, मैत्री भाव नहीं रखने के कारण ऐसा हुआ है भिक्षु हो। और फिर बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु हो, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप हमेशा चार प्रकार के सर्प कुलों से मैत्री भावना किया करें। और तब बुद्ध ने जो कहा, बड़ी अनमोल बात है, क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध कहते हैं, कतमानी चत्तारी विरूपकं अहिराज कुलं एरापथं अहिराज कुलं छब्यापुत्तं अहिराज कुलं कन्ना गोतमकं अहिराज कुलं नहीं नून सो भिक्खवे भिक्खु इमानी चत्तारी अहिराज कुलानी मेते न चित्ते न फरी। सचे ही सो भिक्खवे भिक्खु इमानी चत्तारी अहिराज कुलानी मेते न चित्ते न फरीय नहीं सो भिक्खवे भिक्खु अहिना दठ्ठो कालं करीय। तथागत बुद्ध ने बताया कि ये चार प्रकार के अहिराज कुल यानी सर्प कुल होते हैं, उनके प्रति उस भिक्षु ने मंगल मैत्री नहीं की होगी, और नहीं मंगल मैत्री करने के कारण आज ऐसा हुआ है। कौन से है चार प्रकार के अहिराज कुल यानी सर्प कुल? एक है विरूप पखंग अहिराज कुलं, एक विरूप पख नाम से एक सर्प का कुल होता है। एरापथंग अहिराज कुलं, एरापथ इसे भी एक अहिराज कुल बताया गया है। छब्यापुत्तंग अहिराज कुलं, छब्यापुत्त और कन्हा गोतमकंग अहिराज कुलं, ऐसे चार प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव सत्व होते हैं उनको इस सर्प कुलों में चार प्रकार की तथागत बुद्ध ने बताया, और अन्य भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने मंगल मैत्री नहीं की होगी, इसलिए उसको सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब बुद्ध कहते हैं, अनुजानामि भिक्खवे इमानी चत्तारी अहिराज कुलानी मेते न चित्ते न फरितुं अत्त गुत्तिया अत्त रखाय अत्त परितायाति। बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षु, मैं आपको आज्ञा करता हूं, आदेश देता हूं आपको कि आप इन चार प्रकार के अहिराज कुलों से मैत्री भावना हमेशा दिन रात हमेशा मंगल मैत्री भाव अपने मन में प्रकट करके मैत्री भाव किया करें। ऐसा मैं आपको आदेश देता हूं, ये मैत्री भावना आप करोगे तो वो आपने आपके अपने रक्षा के लिए है, आपके अपने सुरक्षा के लिए है, और आपके अपने परित्राण के लिए है, अपने कल्याण के लिए है, सुरक्षा के लिए है। तो इसे परित्राण भी कहा जाता है, परित्राण पाठ में भी यह सूत्र कहा जाता है। भिक्षु संघ सदियों से हजारों सालों से बौद्ध देशों में इस सूत्र को परित्राण पाठ में भी कहते हैं। इसका नाम है इस सूत्र का अहिराज कुल सूत्र, अहिराज सूत्र। तो ये सूत्र जो तथागत बुद्ध ने बताया कि ऐसा आप
मंगल मैत्री किया करो। तो सूत्र में बताते हैं, विरूपक्षे हिमे मेतंग मेतंग एरा पथे हिमे छब्यापुते हिमे मेतंग मेतंग कन्ना गोत मके हिच अपाद के हिमे मेतंग मेतंग द्विपाद के हिमे चतुपदे हिमे मेतंग मेतंग बहुपदे हिमे मामं अपादको हिंसी मामं हिंसी द्विपादको मामं चतुपदो हिंसी मामं हिंसी बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंची पापमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवंतानि सिरिंसपानि अहि विच्छिका सतपदी उन्ना नाभि सर्वभु मुसिका कता में रखा कता में परिता पटिकम्बन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धा नन्ति। इतनी महान धम्म देशना अपनी सुरक्षा के लिए अपने परित्राण के लिए ये तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को बताई है, उपासक उपासिकाओं को बताई है। क्या है इसमें, क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मैत्री भाव भिक्षुओं भिक्षुनिवो उपासक उपासिकाओं ऐसा मैत्री भाव हमेशा आप अपने मन में किया करो। मन ही मन में मैत्री दिया करो। कौन सी मैत्री, किसको मैत्री? ये सूत्रों को तो लोग हमेशा हमेशा कहते हैं। कौन सी मैत्री? विरूप के हिमे मेतंग मेतंग एरा पथे हिमे छब्या पुत्ते हिमे मेतंग मेतंग कन्ना गौतम के हिच। मैं विरूपक्ष ऐसे सर्प जाति से मेरी मैत्री है, मैं उनसे मैत्री करता हूँ। एरापथ जाति से मेरी मैत्री है, मैं उनसे मैत्री करता हूँ। छब्यापुत्र जाति से मेरी मैत्री है, मैं उनसे मैत्री भाव करता हूँ, मैत्री करता हूँ। और कन्हा गौतमक ये जो चार प्रकार के जाति बताई उनके प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ। वैसे तो देखते हैं हम कि सर्प कहीं जाती है, कहीं जाति के सर्प दिखाई देते हैं, जंगलों में पहाड़ों में अरण्य में एक नहीं कहीं जातियों के। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते कि सबके प्रति जहां भी आप जाते हैं, जंगल पहाड़ों में पर्वतों में जहां वहां, तो हर समय सबके प्रति मंगल मैत्री किया करे, मंगल मैत्री करते रहिए, करते रहिए। अपाद के ही में मेतंग मेतंग द्विपाद के ही में चतुपदे ही में मेतंग मेतंग बहुपदे ही में, यानी बिना पैर वाले ऐसे जीव सत्वों से मैं मैत्री भाव करता हूं। ऐसे जीव सत्व विश्व मंडल में संसार में है कि जो जीव सत्व तो है लेकिन उन्हें पैर नहीं है, तो उनके भी प्रति मेरी मंगल मैत्री है। द्विपाद के ही में मेतंग, जो दो पैर वाले जीव सत्व जो है, विशेष रूप से मनुष्य स्त्री पुरुष और इस प्रकार अन्य भी प्राणी, कि जो दो पैर वाले जीव सत्व है उनके प्रति भी मेरी हमेशा मंगल मैत्री है, मंगल मैत्री है। इसी प्रकार चतुपदे ही में मेतंग मेतंग बहुपदे ही में, चार पैर वाले जीव सत्वों के साथ मेरी मंगल मैत्री है, मेरी मंगल मैत्री है, मैं उनके प्रति मंगल मैत्री करता हूं। मेतंग बहुपदे ही में,
चार पद से, चार पैरों से भी अधिक पैर वाले जो जीव सत्व है जिसे कहते हैं बहुपद, तो ऐसे बहु पैर वाले भी जीव सत्व से मेरी मंगल मैत्री है, मैं मंगल मैत्री करता हूं, मंगल मैत्री मैं करता हूं। मां मंग अपाद को हिंसी, मां मंग हिंसी द्विपाद को, मां मंग चतुपदो हिंसी, मां मंग हिंसी बहुपदो। फिर ये मंगल मैत्री और तथागत बुद्ध ने बताया कि जिनको पैर नहीं है, बिना पैर वाले जीव सत्व इस विश्व मंडल में है, वो भी मुझे परेशान न करे, मेरी हिंसा न करे, ऐसा मैत्री भाव प्रकट करो। मां मंग द्विपाद को हिंसी, जो दो पैर वाले सत्व है वो भी मेरी हिंसा न करे, वो भी मुझे परेशान न करे, ऐसा मैत्री भाव दो पैर वाले जीव सत्वों के प्रति किया करो। मां मंग चतुपदो हिंसी, जो चार पैर वाले जीव सत्व है उन चार पैर वाले जीव सत्वों के प्रति भी मंगल मैत्री भाव किया करे, कि वो भी मेरी हिंसा न करे, वो भी मुझे परेशान न करे। मां मंग हिंसी बहुपदो, जो बहु पैर वाले जीव सत्व है, बहुत पैर है उनको, केवल चार ही नहीं, छह ही नहीं, तो अनेक पैर वाले भी जीव सत्व विश्व मंडल में होते हैं, तो वो भी मेरी हिंसा न करे, ऐसा भाव मंगल मैत्री का मन में प्रकट करते रहो, निर्माण करते रहो। फिर बुद्ध और बताते हैं, सभ्य सत्ता सभ्य पाना, सभ्य भूता च केवला, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंची पाप मागमा। सभी जीव सत्व दृश्य अदृश्य जो भी है, सभ्य सत्ता सभ्य पाना, सभी प्राणी सब जीव सत्व, सब दुर्गति में भी जीवन जीने वाले जीव सत्व, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, सब मंगल मैत्री से एक दूसरे को देखते रहे, मंगल मैत्री भाव से जीते रहे, मैं भी उनके प्रति मंगल मैत्री भाव हमेशा करते रहूंगा, जागृत भाव से मैं भी हमेशा मंगल मैत्री करता रहूंगा, मैं भी किसी पशु को पंछी को, एक दो पैर वाले, चार पैर वाले या बहु पैर वाले, किसी भी जीव सत्वों को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा भाव मैं हमेशा मेरे मन में करता हूं, और वही भाव उनसे भी मुझे मिलता रहे, ये भाव तथागत बुद्ध ने बताया। सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंची पाप मागमा, सभी को मंगल मैत्री भाव से, प्रसन्नता से, स्नेह से देखते चलो, किसी के प्रति बुरा भाव मन में न लाओ, किसी के प्रति द्वेष मन में निर्माण ना करो, ये तथागत बुद्ध ने सिखाया। फिर बुद्ध कहते हैं, अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवंतानि सरी सपानी अहि विच्छिका सतपदी उन्ननाभि सरभु मुसिका कथा में रखा कथा में परिता पटिकम्मन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानन्ति। कितनी महान बात यहां तथागत बुद्ध ने बताई। बुद्ध कहते हैं, अपमानो बुद्धो, बुद्ध के शक्ति का, बुद्ध के बल का कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है, असीमित है, अनंत है, इन्फिनाइट है बुद्ध। अपमानो धम्मो, धम्म अनंत है, असीम है, और अपमानो संघो, संघ जो तथागत बुद्ध ने निर्माण किया, जिस जो संघ बुद्ध धम्म और संघ के रास्ते चलता है वो अप्रमाण है, उसे सीमा नहीं है, असीम है। सारे जो जीव सत्व हम देखते हैं, जो कुछ अपने आंखों से हम देखते हैं, उन सभी को सीमा है। जो हम पेड़ देखते हैं, पेड़ को भी सीमा है उम्र की। इंसान देखते हैं, इंसान को भी सीमा है उम्र की।
बिल्डिंग देखते हैं, इस बिल्डिंग को सीमा है उम्र की। पेड़ चलेगा तो 100 साल, 200 साल, 400 साल, कोई अच्छा लंबे समय तक जीने वाला पेड़ हो तो 1000 साल तक चलेगा, लेकिन वो नष्ट हो ही जाएगा क्योंकि उसको सीमा है। जंगल पर्वत इसको भी सीमा है, समुद्र को सीमा है, धरती को सीमा है, धरती भी अपने सीमा में रहती है, हर एक को सीमा है। लेकिन जिसे सीमा नहीं है ऐसा कौन है? तथागत बुद्ध कहते अपमानो बुद्ध, बुद्ध को प्रमाण नहीं है, बुद्ध को सीमा नहीं है। अपमानो धम्मो, धम्मो को सीमा नहीं है, उसे मर्यादा नहीं है। और संघ अपमानो संघो, संघो को सीमा नहीं है। अब ये कैसा तथागत बुद्ध ने बताया, मैं थोड़े में आपको बताऊं कि जैसे मंगल मैत्री जो व्यक्ति करता है तो मंगल मैत्री को कोई सीमा नहीं, असीम होती है मंगल मैत्री। सद्धम्म असीम होता है, धम्म केवल एक शहर के लिए नहीं होता है, एक प्रांत के लिए नहीं होता है। इसलिए तो धम्मदान सम्बदान जिनाति कहा जाता है। क्यों धम्मदान दान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? दान का तो महत्व है, किसी को भी एक व्यक्ति को दान दो उसका भी महत्व है, किसी बीमार को दान दो उसका भी महत्व है, किसी को कपड़े का दान दो तो उसका महत्व है, किसी को भोजन दान दो तो उसका भी महत्व है, किसी को मकान बनाकर दान दे दो उसका भी महत्व है, स्कूल के लिए दान दो तो उसका महत्व है, हॉस्पिटल के लिए दान दो तो उसका भी महत्व है। हर एक दान का महत्व होता है, लेकिन इसकी सीमा है। मान लो एक हॉस्पिटल यदि कोलकाता में है, कोलकाता के किसी किसी एक विशेष नगर में, तो वो हॉस्पिटल उस नगर की सेवा करेगा, उस शहर की सेवा करेगा, उसके पड़ोस के लोगों की सेवा करेगा जब तक वो हॉस्पिटल चलता रहेगा। लेकिन वो हॉस्पिटल में कभी कभार दिल्ली का आदमी जा सकता है, कभी जाएगा भी नहीं जीवन भर। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कोई मुंबई का आदमी वहां पर जाएगा, मुंबई का आदमी कभी जाएगा कभी नहीं भी जाएगा। उसकी सीमा है, उसके सर्विस की सीमा है, लेकिन सद्धम्म की सीमा नहीं होती। सद्धम्म केवल एक शहर के लिए नहीं, एक मोहल्ले के लिए नहीं, एक तबके के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए सद्धम्म नहीं, तो सद्धम्म सभी के लिए होता है, सभी इंसान के लिए होता है, सभी शहरों के लिए होता है, सभी प्रांतों के लिए होता है। प्रांत से भी बाहर सद्धम्म जाता है, देशों के बाहर सद्धम्म जाता है, समुद्र की सीमा सद्धम्म को नहीं रोकती, पर्वत की सीमा सद्धम्म को नहीं रोकती, वो हर देश में जा सकता है क्योंकि वो ज्ञान है, प्रकाश है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जो सत्य होता है, सत्य का बल अनंत होता है, असीम होता है वो, तो सद्धम्म एक सच्चाई है, सत्य है, असीम है, उसे सीमा नहीं होती। मनुष्य जीवन चलता रहेगा, पीढ़ी आते रहेगी जाते रहेगी, परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन सद्धम्म जो है निसर्ग की सच्चाई है, वास्तविकता है, वो चलते रहेगी, चलते रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि सूरज के भी किरणों को सीमा है, जिस देशों में सूरज उग गया तो वहां पर उसका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में वहां सूरज की रोशनी नहीं जाती, वहां तो अंधेरा है। अभी यहां रात्रि है, यहां सूरज नहीं दिखाई देगा, अभी उसकी रोशनी यहां नहीं है, अभी रात्रि यहां पर पड़ते जा रही है, रोशनी नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में वो उग गया है सूरज, तो वहां पर रोशनी, वहां पर प्रकाश है, लेकिन यहां नहीं उसका प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि उसकी सीमा होती है, मर्यादा होती है।
सूरज के प्रकाश की भी, लेकिन सद्धम्म के प्रकाश की सीमा नहीं होती, असीम होता है वो। जहां सूरज है वहां भी होता है वो, जहां सूरज नहीं है, जहां रात्रि है वहां भी होता है वो। इतना ही नहीं, इस धरती पर भी होता है, इस धरती के बाहर भी होता है, चक्रवाल में भी वो होता है कि जहां इस सूरज की किरणें दूसरे चक्रवाल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन सद्धम्म की किरणें वो हर जगह पहुंचती है। इसलिए सद्धम्म को असीम माना जाता है, असीम बुद्ध। बुद्ध असीम होते हैं। बुद्ध यानी ये कोई हाड़ मास का ये शरीर ही नहीं होता बुद्ध का, ये शरीर से बाहर निकलकर बुद्ध धम्म काया भी जीते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी। अदृश्य रूप में बुद्ध की बॉडी होती है, धम्म ही बुद्ध की बॉडी होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कभी सो धम्मंग पश्यति सो मंग पश्यति, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। बुद्धत्व के बाद मैं धम्म में समा गया हूं, मैं विश्व मंडल में सम्मिलित हो गया हूं, विश्व का अंग बन गया हूं। तो इस प्रकार धम्म अनंत होता है, पीढ़ियों तक चलता है। बुद्ध आते हैं फिर भी धम्म है, बुद्ध नहीं भी आए फिर भी धम्म रहता है। धम्म का मतलब निसर्ग की नियामता है, और बुद्ध आते जाते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पहले भी बुद्ध हुए, जब मैं एक सामान्य राजकुमार था तो मुझे पता नहीं था कि बुद्ध क्या होता है, धम्म क्या होता है। मैं तो सामान्य आदमी जैसा अज्ञानी था, अंधकार में था। मेरे बॉडी का मुझे पता नहीं था, मेरे मन का मुझे पता नहीं था, इस विश्व का मुझे पता नहीं था। जो भी पता था वो संक्षिप्त था, वो मर्यादित बातों को मैं जानता था। लेकिन जब मैं बुद्ध बना तो अमर्यादित ज्ञान मिला, असीम मुझे ज्ञान मिला, और ऐसा ज्ञान मिला मुझे कि मेरे पहले भी जो बुद्ध हो चुके हैं उसको मैं देखने लगा, उनको मैंने देखा। मैं कैसे कैसे जन्म जन्मांतर से इस चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आते रहा हूं, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धत्व मिलने के बाद मुझे ज्ञान हो गया। ऐसा जो बुद्ध बताते हैं कि मेरे पहले जो बुद्ध हो गए, और इसलिए इस सूत्र में भी बुद्ध कहते हैं कि सात बुद्धों का स्मरण भी किया करो, जो मेरे पहले दीर्घ काल पहले हो चुके हैं, उसके भी पहले बुद्ध हो चुके हैं। लेकिन इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताया कि सात बुद्धों का स्मरण किया करो, और बुद्धों का स्मरण किया करो, सद्धम्म का स्मरण किया करो, तो आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, और किसी से उपद्रव नहीं होगा, और सुरक्षित आपका मनुष्य जीवन जाएगा, सुरक्षित आपका परिवार रहेगा। इसीलिए तथागत बुद्ध ने जो मंगल मैत्री सिखाई है सारे विश्व मंडल के प्रति, सारे पशु पंछियों के प्रति, सभी जीव सत्वों के प्रति, बहुत महान है, बहुत महान है। आप देखिए वो मंगल मैत्री को, जो बुद्ध ने सिखाई हुई मंगल मैत्री, हमने YouTube पर वो क्लिप डाली है मंगल मैत्री की, हिंदी में भी है। जो पाली भाषा में बुद्ध ने सिखाया उसको हमने हिंदी में किया, तो उसे आप जरूर सुनिए, जरूर देखिए, वो क्लिप लगाइए और बार बार ऐसा स्मरण करते रहिए, बहुत पुण्य के भागी बनोगे, आपके परिवार को सुख शांति मिलेगी। तो ये मंगल मैत्री जो बुद्ध ने सिखाई कितनी विशाल है, कितनी अनंत है, कितनी महान है, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे और जब करने लगेंगे तो उसका लाभ मिलते रहेगा, समझ में आते रहेगा। आप सबका मंगल हो। आप जरूर YouTube में जाकर बुद्ध ने सिखाई हुई वो मंगल मैत्री देखिए, जो बुद्ध ने 38 महामंगल की जो बात बताई है उसे भी देखिए। ऐसी अनमोल बातें तथागत बुद्ध ने सिखाई, क्या होते हैं 38 महामंगल।
बड़ा अद्भुत बुद्ध का मार्ग दर्शन होता है। सच्चाई पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, सत्य पर आधारित होता है। तो उसको पढ़िए, देखिए। और सत्य तो केवल इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं, सत्य भी कई प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं लोकीय सत्य। यानी हम जो अपने आंखों से देखते अनुभव करते हैं, ये लोकीय सत्य है। और दूसरा सत्य होता है लोकोत्तर सत्य, यानी इस लोक के परे की बात। लेकिन वो भी है जो जानने वाले, देखने वाले, वो अभ्यास करने वाले उसको समझते हैं, जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो इसी प्रकार बुद्ध के अनमोल उपदेश हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं। आप जरूर उसका लाभ लीजिए। YouTube में जाकर, सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि नाम लिखिए अपने मोबाइल पर, और जो बुद्ध की मूल वाणी है त्रिपिटक में जो संग्रहित है उसको समझिए, पढ़िए, चिंतन करिए, लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। अपने परिवार को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करिए। आपका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपको सुखी जीवन मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आज नेट के कारण सुबह का धम्म पद और ये भी देरी से हुआ है, नेट की वजह से हुआ है। आप सबको सुख शांति मिले, मंगल हो सभी का।